आज है 3 मार्च 2023, वीकली करेंसी एक्सपायरी का डेट है फ्राइडे। तो उसी के रिलेटेड मैं जस्ट आई वुड लाइक टू शो कि कैसे ऑप्शन राइटिंग करके थोड़ा सा पैसा बना सकते हैं। ये है आपका डॉलर रुपी का चार्ट। मॉर्निंग में डॉलर रुपी इस लेवल पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था अराउंड 82.22 लेवल्स पे। ये जो चार्ट है ये INR इक्वल टू DT वाला चार्ट नहीं है, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। इसके लिए दिस बीइंग द केस इसका जो चार्टिंग होगा आपका INR इक्वल टू D2 वाला चार्ट के साथ थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा। INR इक्वल टू D2 का चार्ट जो है एक्चुअल डेल्ट लेवल वाला चार्ट से मोर परफेक्ट, मोर एक्यूरेट। सो जो लोग INR इक्वल टू D2 वाला चार्ट रेफर करते हैं उन लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगेगा यहाँ पे। अच्छा, तो डॉलर पे यहाँ पे जो ओपनिंग था आपका 82.2223 के आसपास था। नाउ एक्सपायरी जो होता है उसका स्ट्राइक प्राइस एवरी 25 पैसा यानी क्वार्टर 25 पैसे पे होता है। जैसे 82 क्वार्टर, 82 हाफ, 82.75, 83 एंड सो ऑन। सो 82 क्वार्टर ये वाला लेवल पे 82.25 दिस पर्टिकुलर लेवल, अभी यहाँ पे आपका क्या व्यू बन सकता है लेट अस ट्राई टू डिस्कस। अभी मैं अगर बोलूँगा तो आपको बोलोगे ऑलरेडी प्राइस इतना ऊपर चला आया है, नाउ इट इज़ अराउंड 32 लेवल्स, तो कौन सी बड़ी बात है। सो यहाँ पे वो दिखाने का नहीं है कि मैंने क्या किया है, दैट इज़ नॉट थिंग। यहाँ पे इस लेवल पे लेट अस ट्राई टू कट दिस एंड ट्राई टू एनालाइज इट। सो ये आपका 9 बजे इस टाइप का लेवल था, उसके बाद आपका 9:15 पे ये कैंडल फॉर्म हुआ। 9:15 पे आपका ये कैंडल फॉर्म हुआ। अच्छा, और भी चला गया इसको। ये ट्रेडिंग व्यू जो प्रीमियम अकाउंट है उसका ये स्पेशल फीचर है, आप वहाँ पे एज इफ लाइव मार्केट है देख सकते हो। अभी करेंटली टाइम जो है 11 बजा है ये नीचे के टाइम में देखो, वायर एज मैं यहाँ पे काट करके 8:45 टू 9:00 का चार्ट में हूँ। तो 9:00 के टाइम पे प्राइस कैसे बिहेव हुआ, ये 9:00 का प्राइस है यहाँ पे ये आया। डेट बींग द केस अभी हमें इस लेवल पे क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। तो इस लेवल पे जो लोग डॉलर रुपी स्पॉट में रेगुलरली ट्रेड करते हैं और डायरेक्टली एसोसिएटेड विद डॉलर रुपी प्राइसिंग, उन लोगों को ये पता होगा कि इस लेवल पे इनविजिबल हैंड डेट इज़ द RBI यहाँ पे आके बाय कर सकता है एवरी पॉसिबिलिटी। सो दैट बींग द केस अगर यहाँ पे RBI आता है तो प्राइस ऊपर जाएगा। हमें क्या करना है, 11:30 टू 12:30 के बीच का जो टाइमिंग्स है उस टाइमिंग्स में डॉलर रुपी कहाँ पे रहता है एंड FBIL का रेट यानी RBI भी जिसको बोलते हैं या FBIL रेट जिसको बोलते हैं उसका पोलिंग कहाँ पे होता है इन बिटवीन 11:30 टू 12:30। सो उस टाइम पे अगर पोलिंग आपका 80 to 25 के ऊपर होता है इन सच ए केस, 80 to 25 का जो पुट है इट विल बिकम जीरो, 82.25 PE विल बिकम जीरो। दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग। और अगर 11:30 to 12:30 का पोलिंग के टाइम में डॉलर रुपी 80 to 25 के नीचे आता है देन थोड़ा सा लॉस होने का प्रोबेबिलिटी था। अच्छा, ना कंसीडरिंग दिस एज द फैक्ट कि यहाँ पे RBI इंटरवीन कर सकता है एंड दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल टू ऑल द बैंकर्स हु आर डायरेक्टली एसोसिएटेड डॉलर रुपी। सो वहाँ पे क्या हो सकता है कि इसका प्रोबेबिलिटी ये है कि डॉलर रुपी ऊपर RBI अगर इंटरवीन करता है तो ये ऊपर आ सकता है एंड बाय 11:30 to 12:30 अगर 85.25 के ऊपर क्लोज दे देता है, आई एम लिस्ट बोदर अबाउट ये 85.25 के कितना ऊपर
क्या ये 82.30 या 82.35 या 82.40 या 82.50 या 82.70, आई एम लीस्ट ऑर्डर। मेरा कंसर्न यही है कि 11:30 टू 12:30 के बीच का जो आरबीआईबी पोलिंग या पोलिंग होगा, वो पोलिंग आपका 82.25 के ऊपर होना चाहिए। इन सच केस 82.25 का जो आपका प्रीमियम है वो जीरो बन जाएगा। दैट बीइंग द केस 82.25 का जो भी प्रीमियम है उसको अगर आप शॉर्ट करते हो तो देर आर हायर पॉसिबिलिटीज के आपको प्रीमियम मिल सकता है। अभी आते हैं अपना ट्रेड पे, यहाँ पे आते हैं कि हमने क्या ट्रेड किया था। आप देखोगे स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, ओ बाय द वे कल मैंने क्या किया था, कल क्लोजिंग के टाइम पे ये 82.75 कॉल को शॉर्ट किया था इन एंटिसिपेशन कि ये आज का फिक्सिंग के टाइम पे आरबीआईबी पोलिंग के टाइम पे ये 82.75 के नीचे रहेगा। सो मैंने क्या किया था, 82.75 का कॉल को शॉर्ट किया था 500 यानी हाफ ए मिलियन डॉलर, उसका टेंटेटिव कुछ देर पैसा के आसपास प्रीमियम था। आज सुबह आके मैंने 0.025 यानी क्वार्टर पैसा प्रीमियम पे मैंने बाई कर लिया। बाई करने के बाद मैं यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक किया। कितना प्रॉफिट बुक किया, जस्ट आई वुड लाइक टू शो, 82.75 में मैंने 8,750 रुपीस बनाया ऑन हाफ ए मिलियन डॉलर। उसके बाद ये एनालिसिस आया, कौन सा एनालिसिस, आपका दिस एनालिसिस कि इसके ऊपर अगर जाएगा तो मैं, मेरे को 82.25 का जितना भी प्रीमियम है वो मेरे को पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो मैंने अभी इसको रिप्ले कर देते हैं, रिप्ले करके इस टाइप का प्राइस एक्शन हुआ है एंड ये लाइव मार्केट है। अभी ये करंट मार्केट, में ये 82.32 के पास है। तो मैंने क्या किया, आप देखोगे उसके बाद मैंने आपका डॉलर रुपए का ये 82.25 का जो पुट है वो एक 1.25 पैसे का प्रीमियम था, तो मैंने उसको बेच दिया 500 क्वांटिटी मीन्स हाफ ए मिलियन डॉलर, और उसके अगेंस्ट में 82 का पुट को मैंने बाई किया। सो मेरा नेट क्रेडिट कितना हो गया, एक पैसे का, पूरा का पूरा एक पैसे का मेरा नेट क्रेडिट था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको बेचा एंड इसके अगेंस्ट में मेरे को कितना प्रीमियम मिला, 82.25 का जो पुट है इसमें मेरे को 5,000 रुपया मिला। ठीक है, एंड ये छोटा मोटा कुछ प्रॉफिट्स है जो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का कुछ ट्रेड पोजीशंस रन कर रहा हूँ उसके ऊपर है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर भी देखो मेरा जो ज़ीरोधा का और एक अकाउंट है वहाँ पर भी मैंने क्या किया, 82.25 150 क्वांटिटीज मैंने शॉर्ट किया 10175 पे एंड उसके अगेंस्ट पे 0025 का पुट को मैंने बाई कर लिया। सो यहाँ पे देर पैसा का क्रेडिट है जो मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया 0025 पे, मैंने जीरो होने के लिए अलाउ नहीं किया। दैट बीइंग द केस यहाँ पे मेरे को 2,250 रुपया का मिला, 2,250 रुपया मेरे को यहाँ पे मिला। आप बोलोगे यहाँ पे 750 रुपये का कुछ माइनस दिखा रहा है, जस्ट आप याद करो मंगलवार मैंने क्या कॉल दिया था, 83 क्वार्टर और 83 का पुट कॉल शॉर्ट करने के लिए। तो उस टाइम पे आप ध्यान से देखोगे मैंने 130 क्वांटिटी 83 का जो पुट था कॉल था उसको मैंने शॉर्ट किया था एंड उसके अगेंस्ट में हेजिंग में मैंने 83.75 बाई किया था। अभी बाई कितने में किया था, 0.075 पैसा पे यानी 3/4 पैसा पे एंड उसका जो शॉर्ट था उसको तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, इसका ये मैंने रख दिया। दैट इज व्हाट इट्स द लॉसेस सर। यहाँ पर भी आप देखोगे मैंने 83.75 का हाफ मिलियन का अभी भी है, मैंने उसमें बाई कितने में किया था, एक पैसे में किया था। इसमें मैंने क्या किया था, पहले मैंने इसको मंगलवार के ट्रेड पे मैंने इसको 83 क्वार्टर शॉर्ट किया था जिसके अगेंस्ट में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसके बाद कल मैंने क्या किया, 82.75 का कॉल को मैंने शॉर्ट किया, आज उसको प्रॉफिट बुक कर लिया। सो ये
रिकॉर्डिंग मंगलवार से चल रहा है, यहाँ पे 3,750 रुपया और इसमें मेरे को 750 रुपया। ये यहाँ पे मैंने तीन तीन पोजीशंस ऑलरेडी बुक कर लिया था, इसमें मेरा दो पोजीशंस और इसमें भी मैंने दो पोजीशंस इस बाइंग के अगेंस्ट में बुक कर लिया। आज देखो जो ना मैंने पुट शॉर्ट किया था उसके अगेंस्ट में मैंने यहाँ पे 82 का पुट भी बाई किया था, जिसमें क्वार्टर पैसा मेरा लॉस है। इट्स फॉर रिड्यूसिंग द मार्जिन, नॉट एग्जैक्टली हेजिंग बट फॉर रिड्यूसिंग द मार्जिन। सो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि By considering this view के इस level पे डॉलर रुपी क्या हो सकता है, आप में पता है, आप मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी बैंकर्स हैं उन लोगों का ज़्यादातर लोगों को इतना मालूम है कि इस लेवल पे आने के बाद क्या क्या एक्टिविटीज होता है। ऐसा भी है कि काफ़ी डीलर्स हैं जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा जानते हैं एंड मोर एग्रेसिव दे आर। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ इस लेवल पे देर आर हायर पॉसिबिलिटीज की इंटरवेंशन होकर डॉलर रुपये ऊपर चला जाएगा, कितना ऊपर जाएगा दैट इज नॉट माय कंसर्न। मेरा यही कंसर्न है कि 82.25 के ऊपर क्लोज देना चाहिए। अभी क्या हुआ, ऑलरेडी मैंने देखो मैंने जो शॉर्ट किया था, ये जो मैंने शॉर्ट किया था किधर गया, 500 ये 125 ऑलरेडी मैंने 0.025 यानी एक पैसा में मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया। अभी नाउ ये किधर भी आरबीआई फिक्सिंग आए, ये आरबीआई फिक्सिंग 82.25 के नीचे आए या 82.25 के ऊपर जाए, आई एम लीज फॉर दैट क्योंकि मैंने अभी पोजीशन बुक कर लिया है। और एक ट्रेड मैंने कल लिया था, यहाँ पे छोटा एक ट्रेड था आपका, 300 क्वांटिटीज मैंने शॉर्ट किया था, कौन सा आपका 80 ये वाला, ये क्या 80.75 कॉल को शॉर्ट किया था 300 क्वांटिटीज, जहाँ पे मेरे को मैंने आज क्वार्टर पैसा में बाई कर लिया एंड 4,500 रुपया मैंने बुक किया। देखो यहाँ पे 4,500 रुपया, यहाँ पे दो दो पोजीशंस मैंने लिया है, एक में 8,700 रुपया, एक में 5,000 रुपया और इसमें आप देखो 2,200 रुपया। आप बोलोगे 750 का, ये ऑलरेडी मेरा जो दो पोजीशन था उसमें प्रॉफिट ऑलरेडी, इसका जो लॉस है मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। फिर भी आप करना चाहते तो कर सकते हो, बट यहाँ पे कितना प्रॉफिट कितना लॉस ये दिखाने का मेन इंटेंशन नहीं है। मेन इंटेंशन है कि आपके पास अगर ये व्यू है कि इसके नीचे नहीं क्लोज देना चाहिए आरबीआई फिक्सिंग, या 83 के ऊपर जाना नहीं चाहिए आरबीआई फिक्सिंग, इन सच केस आप आइदर कॉल को शॉर्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द व्यू, और पुट को शॉर्ट कर सकते हो एंड कैन मेक मनी। आप देखोगे यहां पे मैंने 2,250 रुपया बनाया, कितना फंड्स पे 1,80,000, अभी ये 190 हुआ, 1,50,000 का अभी धीरे धीरे छोटा छोटा करके इस अकाउंट पे बढ़ रहा है। यानी आप अगर देखोगे कि मैंने बनाया 2,250 रुपया, 2,250 रुपया किसके अगेंस्ट पे 1,90,000 पकड़ता हूं, यानी 1.18% मेरा ये रिटर्न हो गया 1.18%। 750 रुपये इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हो क्योंकि ऑलरेडी दो बार मैंने इसका मक्खन खा लिया। तो दैट बीइंग द केस अभी क्या हो रहा है कि ये आपका 1.1% जस्ट एक ट्रेड करके, कितने बजे मैंने ट्रेड लिया था आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो मैंने शॉर्ट किया था 9:46 और मैंने उसको बुक कर लिया 10:37 पे, लेस देन वन आवर पे आप 1% का प्रॉफिट बुक किए हो सब्जेक्ट टू द मूवमेंट। हाँ ऑफकोर्स आपको प्राइस का नॉलेज होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, ये अगर नीचे आ जाता बी रेडी टू बुक द लॉसेस। रिपीटेडली आई एम टेलिंग, यहाँ पे कोई वो होली ग्रेल नहीं है कि आप जो भी करोगे प्रॉफिट होगा, कभी कभी लॉस भी लेना है। दैट बीइंग द केस ये जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि आप कैसे इसको प्रॉफिटेबल पोजिशंस ले सकते हो। पहले डोंट
इन्वेस्ट बिग अमाउंट ऑफ मनी। पहले आप छोटा छोटा एक लॉट, दो लॉट, पांच लॉट, दस लॉट से ट्रेड करो। कितने दिन? 3 महीना करो, 90 डेज। 3 महीने में कम से कम आप कोशिश करो 50 ट्रेड लेने के लिए, 50 ट्रेड। उसमें से आप कभी किसी में पैसा बनाओगे, किसी में पैसा गवाओगे, लेकिन पैसा बनेगा भी तो छोटा बनेगा, 50-100 रुपया बनेगा, गवाओगे भी तो 50-100 रुपया। सो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल डेंट नहीं होगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड द गेम। एक बार आप गेम समझ गया तब आप लॉट बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 5-10 लॉट के जगह पे 100 लॉट करो, फिर 500 लॉट करो यानी 500,000 करो, फिर 1,000 लॉट करो यानी 1,000,000 करो, फिर 5,000,000 करो, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्फिडेंस। मेन गेम इज नॉट द प्रॉफिटेबिलिटी, मेन गेम इज टू अंडरस्टैंड द टेक्निक, टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, टू अंडरस्टैंड द गेम कैसे खेला जाता है। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। इसी के ऊपर बेसिस करके मैंने क्या बोलते हैं, यहाँ पे और कुछ पोजीशंस लिया है, सेम पोजीशंस आप देखोगे। 17,300 पुट को मैंने शॉर्ट किया, उसके अगेंस्ट पे 17,000 पुट को बाई कर लिया, 28 रुपया मेरे को मिला, और 6 रुपया 25 पैसा गया, करीबन 21 पैसा समथिंग मेरे को। ये मैं जस्ट अभी प्राइस को मॉनिटर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो 41,000 पी को मैंने शॉर्ट किया, एंड उसके अगेंस्ट पे 39,700 पी को मैंने बाई किया, 367 against 197, यानी करीबन 150 पैसा, यानी यहाँ पे देखो 17,000 ऑलरेडी मिल चुका है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पोजीशन को 50 रुपया ऊपर में मैंने ट्रेल कर रहा हूँ। जब ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस 210 था, मैंने 260 पे मैंने रखा था, अभी 200 है, तो मैं क्या करूँगा, इस ऑर्डर को मैंने मॉडिफाई करके 250 पे करूँगा मॉडिफाई, यानी 10 रुपया मैंने नीचे कर दिया, 250 and 252, 252। तो मैंने इसको अभी मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर सडनली निफ्टी, बैंक निफ्टी का एक शार्प फॉल आता है तो क्या होगा, मेरा 50 रुपया पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन मेरा टारगेट क्या है, ये नॉन स्टॉप 42,000 and 43,000 के तरफ जाने का है। ऑलरेडी मैंने 2 दिन पहले बैंक निफ्टी का एक टारगेट दिया था कि कीपिंग स्टॉप लॉस बिलो 39,700 वन कैन लुक फॉर 42,000 and 43,000 इन 5 to 10 ट्रेडिंग डेज। उसका वीडियो मैं जल्दी, मोस्ट ऑर्ली कल ही मैं बना के लेके आऊँगा, लॉजिक क्या है, सिस्टम कौन सा यूज़ किया है, क्या स्ट्रेटेजी था उसका, कैसे ट्रेड किया जाता है, एवरीथिंग। सो ये जो है आपका मीन्स जस्ट ये छोटा छोटा करके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ओनली थिंग इज दैट आपको ग्रेजुअली प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको पता होगा कि मैं छोटा छोटा लॉट्स में काम करता था, एक एक लॉट, दो दो लॉट। अभी यहाँ पे देखो निफ्टी में 4 लॉट, बैंक निफ्टी में भी 4 लॉट। यहाँ पे क्योंकि मैं हल्का सा कर रहा हूँ, मैं एग्रेसिव नहीं जा रहा हूँ, एग्रेसिव मेरे को खेलना नहीं है, मेरे को आराम से खेलना है, शांति से खेलना है। कल निफ्टी का एक्सपायरी था, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो वहाँ पे मैंने हजार हजार क्वांटिटी का कॉल भी शॉर्ट किया था, पुट भी शॉर्ट किया था। क्यों? उसमें जस्ट एक्सपायर होने वाला था, तब जाके वहाँ पे मैंने 20-20 लॉट कॉल को शॉर्ट किया, 20-20 लॉट पुट को भी शॉर्ट किया ऑन निफ्टी, एंड मेड अनदर गुड अमाउंट ऑफ मनी। कल के ट्रेड मैंने बनाया नहीं, वहाँ पर भी मेरे को अच्छा खासा करीबन 56,000 का प्रॉफिट आया है। सो शोइंग द प्रॉफिट इज नॉट माई मेन कंसर्न, जस्ट आई वॉन्ट टू शो यू कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ एंड वट इज द प्रोसेस एंड शांति से कैसे पैसा बनाया जाए, दैट इज द ओनली इंटेंशन। सो यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाउ टू अंडरस्टैंड द लेवल, हाउ टू गेस दैट ए लेवल के नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, या ऊपर वाले लेवल के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली एक्सपायरी के नज़दीक आप कॉल को या पुट को या दोनों को शॉर्ट कर सकते हो, आपका चॉइस। सो आशा करता हूँ मेरा ये जो प्रयास है आप लोगों को सिखाने के लिए कि करेंसी एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी पर भी कैसे पैसा बनाया जाता है, प्रोवाइडेड यू हैव ए गुड अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डॉलर रुपी प्राइस मूवमेंट, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। सो होप
मेरा जो इंटेंशन है आप समझ रहे हो, एंड ट्राई टू मीन्स आपको अगर पसंद आया ये स्ट्रेटेजी तो इसको प्रैक्टिस करो, छोटा छोटा करेंसीज में एक लॉट दो लॉट में प्रैक्टिस करो एंड मिंट में। थैंक यू। एक बार अगर आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बड़े लॉट में जाओ। पहले पहले 2 दिन प्रॉफिट हो जाने के बाद हाफ ए मिलियन या 1 मिलियन पे ट्रेड मत लो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते करते कम से कम 50 ट्रेड लो, 50 दिन ट्रेड करो कम से कम। उसके बाद अंडरस्टैंड द गेम, वंस यू अंडरस्टैंड द गेम तब जाके क्वांटिटी ग्रेजुअली बढ़ाओ, सडनली मत बढ़ाओ। मान लो अभी आप 5 लॉट या 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, तो जैसे 50 ट्रेड करके आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि आई कैन, तो आप क्या करोगे, सो 10 लॉट की जगह पे 100 लॉट में जाओ, उसको फिर 50 ट्रेड प्रैक्टिस करो कमिंग 3-4 मंथ्स में। एक बार अगर प्रैक्टिस हो गया एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं आराम से 100 लॉट से करेंसी शॉर्ट कर सकता हूँ, ऑप्शन को शॉर्ट कर सकता हूँ, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, देन उसके बाद आप 250 क्वांटिटी में जाओ या 500 क्वांटिटी में जाओ। वहां पर भी 3 महीना 4 महीना प्रैक्टिस करो वही 50 ट्रेड। 50 ट्रेड में देखो कौन सा ट्रेड आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा दे रहा है, कौन सा ट्रेड आपको कॉन्फिडेंस कम दे रहा है, खुद का असेसमेंट करो, डोंट कॉपी एनीवन। वहां पर भी अगर आपका जब असेसमेंट परफेक्ट हो जाएगा कि आप आराम से मीन्स 1:9 1 loss is to 9 प्रॉफिट के हिसाब से आप जाते हो विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, तो 500,000 को 1 मिलियन करो एंड सो ऑन। बट 10 लॉट से डायरेक्टली 500,000 या 10 लॉट से डायरेक्टली 1 मिलियन ट्रेड डोंट डू। फर्स्ट लर्न द टेक्निक, बी गैदर कॉन्फिडेंस ऑन योर सिस्टम। एक बार कॉन्फिडेंस बन जाता है देन पैसा कोई बड़ी बात नहीं, मीन्स एनी अमाउंट यू कैन मिंट। मेरा तो ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, यहाँ पे बहुत ही छोटा अमाउंट है, क्योंकि मेरा जो जिनको मैं पर्सनली प्रिफर करता हूँ, शुभाशीष पानी सर और घनश्याम सर, वो लोग करोड़ों में बनाते हैं। हाँ, मेरा भी इच्छा है आने वाले 1-2 साल के बीच में करोड़ों नहीं तो कम से कम 20-25 लाख करके एक एक दिन का, एक इच्छा है, एक तमन्ना है, पता मीन्स देखता हूँ, खुद का प्रयास करता हूँ क्या मैं आने वाले 1-2 साल के बीच में, अभी जैसे मैंने आपको 32,000 या यहाँ पे 2,200 या यहाँ पे आपको 4,500 रुपया जो दिखा रहा हूँ, तो मेरा ये तमन्ना है कि आने वाले 6 महीने 1 साल या 2 साल के बाद ये कम से कम 5-10 लाख में एक एक पोजिशन का P&L दिखे, नॉट L, P दिखे। L भी कभी कभी आएगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, लॉसेस भी कभी कभी आएगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। I am not going to hide anything, क्योंकि आपसे मेरे को कुछ लेना नहीं है, कुछ आपसे मेरे को रिटर्न में नहीं चाहिए, मेरे को कुछ मिला है बहुत मेहनत से कम 2000 आई थिंक, ऐसे तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपका नॉट लेस देन 15-20 ईयर्स, लेकिन सीरियसली प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2014-15 से, यानी इट्स बीन 9-10 ईयर्स प्रैक्टिस करते करते करते। पिछले 1 साल से मेरे को इस स्ट्रेटेजी पता चला, मैं चाहता तो सडनली मैं फंड्स को बहुत बढ़ा सकता था, लेकिन मैंने फंड्स को बढ़ाया नहीं। पहले मेरा 15 लाख का फंड्स था, आप देखो ये 25 लाख का था फंड है, आई विल शो यू। मेरा इंटरनेट का थोड़ा सा स्लो है, इसके लिए ये घूमने के लिए थोड़ा लेट कर रहा है। सो ये फरवरी महीने में ही मैंने मार्जिन मेरा जो कैपिटल है उसको डबल किया, अभी उसके बाद मैं इमीडिएटली मैं बढ़ाने वाला नहीं हूँ। ओहो, यहाँ पे कनेक्टिविटी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, थोड़ा सा देखता हूँ क्या हो गया, इंटरनेट का काफ़ी स्लो है। सो कहने का मतलब मैं 15 लाख कैपिटल पे काफ़ी कोशिश प्रैक्टिस किया, उसके बाद जब मेरे को कॉन्फिडेंस मिला तो ये फरवरी मैंने ये महीने के मिड में मैंने इसको डबल किया, डबल करके अभी मेरे को आने वाले 3-4 महीने पे उसको देखना है कि क्या मैं मेरे को जो जानकारी आया है वो मैंने सही समझा या नहीं समझा। रिजल्ट्स विल टेल कि मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ तो उसके लिए मेरे को ये जो कैपिटल मैंने डबल किया मेरे को, मैं खुद और 3-4 महीने उसको प्रैक्टिस करने वाला हूँ, करने के बाद मेरे को अगर सक्सेस मिलेगा
इंटरनेट कनेक्शंस बहुत अच्छा डाउन है इंटरनेट कनेक्शंस, इसके लिए नहीं आ रहा है। लेट मी ट्राई सब मोबाइल कर, कनेक्टिविटी इश्यूज था, काफ़ी स्लो था। तो मैं ये दिखाने का कोशिश कर रहा था कि मार्जिन कितना है। मार्जिन आप देखो अभी है आपका दोनों को मिला के कोई टेंटेटिव यहाँ पे 27 लाख का कुछ है, 27 लाख टोटल क्रेडिट्स, और दूसरे अकाउंट मिला के करीबन 30 लाख का है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आप देखो मेरा मार्जिन है 27 लाख, मैं पूरा का पूरा कैपिटल यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ओनली 4 लाख का कैपिटल यूटिलाइज कर रहा हूँ, 3.5 लाख टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो जो भी हो, तो कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे इमीडिएटली प्राइस को मीन्स क्वांटिटी को बढ़ा नहीं रहूँगा। जब मौका मिलेगा, जब जब लगेगा तब तक मेरे को एक्सीलेटर फिफ्थ गियर में दबाना है, अदरवाइज जब जब नहीं लगेगा तब तब मेरे को फर्स्ट गियर में या सेकेंड गियर में चलना है। कहने का मतलब पहले 15 लाख का कैपिटल था, उसको मैंने प्रैक्टिस किया 6 महीना, अभी फरवरी में ही मैंने उसको 30 लाख किया टोटल कैपिटल, जो मैं और 3 से 4 महीना यूज़ करने वाला हूँ। देखता हूँ कि मेरे को सक्सेस दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर सक्सेस देगा तो मैं 30 को 50 करने वाला हूँ, फिर मैं उसको और 3-4 महीना प्रैक्टिस करने वाला हूँ। जैसे प्रैक्टिस फुलफिल हो जाएगा देन आई विल थिंक फॉर द हायर अमाउंट। सो कहने का मतलब यहाँ पे मैं आपको यही दिखाना चाहता था, वो मेरा ये जो इंटेंशन है, मेरा ये जो प्रयास है, आप सभी को अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है थोड़ा सा खुद इसको अप्लाई कीजिए, देखिए कैसे होता है। इफ़ रिक्वायर्ड आप मेरे को कॉल कीजिए, आप मेरे को मैसेज कीजिए, आई विल डेफिनेटली रेडी टू शेयर यू। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।